हमें तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी डायरेक्ट जमीन पर बैठकर बिना चप्पल के नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। नमस्कार, योगा आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था खाने के साथ हमें पानी कब पीना चाहिए, अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, खाने के बीच में पानी पीते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पानी बैठकर क्यों पीना चाहिए और कौन से मौसम में कौन से बर्तन का रखा हुआ पानी अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। ये वाघभट जी ने इसके बारे में क्या बताया, चलिए हम जानते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए और पानी हमें बिना कुल्ला किए ही लेना चाहिए, क्योंकि सुबह की लार हमारे लिए एक औषधि का काम करती है। सुबह उठते ही सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पिए और बिना कुल्ला किए पानी पिए। कोशिश करें अपने मुंह में पानी को घुमाएं और उसको अंदर ले जाएं। ये आपके शरीर के लिए एक अमृत का काम करेगी, औषधि का काम करेगी। जैसे हमने जाना था लास्ट वीडियो में पानी बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे साइंस क्या कहती है, इसके पीछे कारण है कि जब हम बैठते हैं, जब हम नीचे सुखासन में या पालथी पालथी लगाकर बैठते हैं, हमारी बॉडी का सेंटर होती है नाभि, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण भी बोलते हैं, वह हमारी नाभि पर लगता है। इसका प्रभाव जठराग्नि पर भी पड़ता है, जिससे हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम पीते हैं बैठकर, वह आसानी से पच जाता है। मान लीजिए हम बैठे हैं और हमने कुछ भी खाया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वह हमारी नाभि पर लग रहा है। नाभि के पास ही हमारा मणिपुर चक्र भी होता है, जिससे हमारा पूरा पेट का जो सिस्टम है वो सारा उस पर डिपेंड करता है, हमारा डाइजेशन डिपेंड करता है। इसलिए मणिपुर चक्र की हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए हम बैठे हैं और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आप जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स वहां से हट जाएगा, नाभि से हट जाएगा, क्योंकि खड़े होने पर वह अपना कार्य नहीं करेगा। इसीलिए खड़े होकर अगर हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, वह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वह अपनी जगह से खिसक जाता है। इसीलिए बैठकर हम जो भी खाते हैं या पीते हैं, वह जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और वह हमें उसका पूरा फायदा भी मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह आपके उसका आप पर प्रभाव पड़े। इसलिए बैठकर कोशिश करें, बैठकर खाना खाने की या कुछ भी खाने की या पीने की, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी नाभि पर ही रहे। हमें तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी डायरेक्ट जमीन पर बैठकर बिना चप्पल के नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।